हेलो व्हाट्स व्हाट्सअप दिस इज सी अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अभी हम लोग ये वीडियो में क्या देखने वाले हैं इफ यू एज यू कैन सी हियर हम लोग सीएमए के लिए डायरेक्ट टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर स्टूडेंट हुई जुलाई और मे बी इन द मंथ ऑफ डिसंबर तो सर यह सर ओल्ड सिलेबस के लिए एप्लीकेबल होगा या न्यू सिलेबस के लिए अपलीकेबल होगा लेट मी टेल यू दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस सो बेसिकली ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा दोनों के लिए अलॉन्ग विथ दैट जुलाई में तुम लोग का एग्जाम है डिसंबर में एग्जाम है डज नॉट मैटर यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और उसकी ये बनाने की ये पूरा जो पी डी एफ मैंने बनाया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का ये बनाने के पीछे जो मेरा पर्पज है मैं तुम लोग को अभी बताने वाला 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 हूँ इससे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं कि हम लोग के सी एम ए का जो सिलेबस था वो पहले पेपर पैटर्न उसका कैसे था पहले डायरेक्ट uh, टैक्स आता था हंड्रेड मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स uh, आता था हंड्रेड मार्क्स का अभी उन्होंने क्या किया नए सिलेबस में नए सिलेबस में उन्होंने 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स किया 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स किया और एक ही पेपर उसका बनाया बट मजे की बात यह है दैट उन्होंने पोर्शन जो था वो पहले जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट सिमिलर रखा इन द न्यू सिलेबस ऑल्सो इससे हुआ क्या जो पहले दो सौ मार्क्स का आता था वो तुम लोग का टेस्ट होगा सिर्फ हंड्रेड मार्क्स इसके वजह से मेन स्टूडेंट्स को सीएमएस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना सारा पोर्शन है इतना सारा पोर्शन हम लोग को कवर करना है तो सर क्या करें क्या नहीं करें क्या करे क्या छोड़े ये समझता ही नहीं है और इसके वजह से और इट इज़ वेरी नेचुरल दैट तुम लोग आ, तुम लोग हंड्रेड परसेंट कवरेज नहीं कर सकते ठीक है लोगों को कितना भी बोलने दो कि यार तुझे तेरा हंड्रेड परसेंट सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट यस यू आर राइट इट इज़ आइडियल कि हंड्रेड परसेंट सिलेबस होना चाहिए बट अगर तुने नॉर्मल आदमी के आदमी के नॉर्मल ले मैन के परस्पेक्टिव से समझा या एवरेज स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से समझा वो हंड्रेड सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है नाउ द पॉइंट इज कि अगर वो नहीं कर पाता है देन इन दैट केस उसने करना चाहिए क्या ंड्रेड परसेंट yes, उसने ट्राई तो पूरा करना चाहिए अगर तेरा नहीं हुआ अगर तेरा नहीं हुआ वॉट विल यू डू यू यू लीव समथिंग समथिंग एंड विल डू नाउ द पॉइंट इज कि तू जो छोड़ेगा ना वो जो तू छोड़ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है ये तुम लोग को मालूम नहीं होता है एंड दैट इज वाई टू गिव यू गिव यू प्रॉपर गाइडेंस कि इफ यू आर लिविंग एनीथिंग देन इन दैट केस एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर ये छोड़ के मत जाना दोस्त बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस होता है तुम लोग के एग्जाम में सो दिस इज लाइक अ गाइडेंस वीडियो फॉर यू सी आई एम नॉट सींग इतना ही करो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी पहले ही मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं कि इतना ही नहीं करो बट इफ यू आर लीविंग मैं वापस बोल रहा हूं इफ यू आर लीविंग एनी थिंग एन्श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग एनी ऑफ द टॉपिक्स विच आई हैव मैंशन इन दिस पी डी एफ सो दैट तुम लोग का कवरेज भी uh, कवरेज जितना हो रहा है उतना पूरा अच्छे से हो जाएगा अदरवाइज होगा क्या तू छोड़ रहा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा तो कैसे होगा राइट right? तो इसके वजह से प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं नाउ द पॉइंट इज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं सिमिलर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट पे बट दैट इज फॉर सी ए स्टूडेंट्स दिस वीडियो आई एम स्पेसिफिकली मेकिंग फॉर सी एम ए स्टूडेंट्स नाउ सी एम ए स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो क्यों बनाया बिकॉज उनका पोर्शन थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन उनको है तो जो एडिशनल टॉपिक्स है वो एडिशनल टॉपिक्स मैंने ये पर्टिकुलर पीडीएफ में कवर कर दी है सो बिफोर मूविंग अहेड कि अंदर कैसे मैंने सब कुछ लिखा है आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं सी ए सी एम दोनों का ही मैं कॉन्टेंट uh, इधर डालते रहता हूँ डेली एम सी क्यू क्विज चलता रहता है एंड मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी डालते रहता हूँ एक एक मिनट के सो दैट यू आर योर रिविजन हैपन्स इन सिक्सटी सेकेंड्स नाउ सर ये पी आपको किधर मिलेगा आपको पी मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया है तो प्लीज़ एक बार वो भी चेक करना चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं सीए इंटर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है सर वैसे भी सब लोग छोड़ के जाते हैं मैं तुझे बताऊं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पंद्रह मिनट लगता है कंप्लीट करने के लिए इन्श्योर दैट यू नो एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट नो एवरीथिंग मतलब जितना एटलीस्ट मैंने इधर छह पॉइंट्स दिए है वो एंश्योर करना कि यू हैव डन दैट परफेक्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ अगर चैप्टर देखा तो एग्रीकल्चरल इनकम छोड़ के मत जाना एग्रीकल्चरल इनकम पे दो टाइप्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे जो रूल्स है रूल सेवन सेवन ए एट जो बेसिकली वो रूल्स है वो रूल्स अच्छे से एकदम करके जाना उसमें से क्वेश्चन बन सकता है पार्शियल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आता है वो अच्छे से देखना मॉड्यूल में उसका एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जरूर करना बिकॉज आने का फुल चांस है उसके बाद एग्जामेशन के बाद हम लोग ने हाउस प्रॉपर्टी कवर किया है सैलरी कवर किया है उसके बाद किया है पीजीबीपी उसके बाद कैपिटल गेंस कैपिटल गेंस के बाद हम लोग ने किया है आई एफ ओ एस नाउ आई एफ ओ एस में इफ यू सी आई हैव डन रिटन ओनली थ्री थिंग्स सो डीम डिविडेंड फिफ्टी सिक्स टू टेन एंड फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी नाउ सर इतना ही करना है कि मैं वापस बोल रहा हूं कि प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी इतना ही नहीं करना है बट इफ़ यू आर लीविंग एनीथिंग इन्श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग एनी ऑफ द टॉपिक्स विच हैव मैं द पी डी एफ आई रिपीटेड वॉट आई सेड अर्लियर राइट ओके सो सेट ऑफ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तेरे सब कुछ ऐसे आ, आ, हाथ पे होना चाहिए कि हाँ यार तू भाई तू पूछ मुझे ये सब कुछ आता है ये तीन टॉपिक्स बहुत अच्छे से करके जाना सेट ऑफ का चैप्टर सेट ऑफ के लिए मैं तुम लोग को एक चीज बताऊंगा सेट ऑफ़ का एक मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे जिधर मैंने मेमोरी टेक्निक बताया

ट्राई करना कि वो भी सब करना है ठीक है टीसीएस में मैंने तुम लोग को बता दिया टीसीएस में एक कंपेरिजन uh, है कंपेरिजन बिटवीन वन नाइनटी फोर क्यू टू जीरो सिक्स सी वन एच प्लीज ये कंपेरिजन देख के जाना आपको बहुत फायदा होगा ये कंपेरिजन देख के आई थिंक मेरी सबसे क्वेश्चन आपको दिख सकता है uh, तुम लोग के एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वन आर आने का फुल चांस है दोस्त वन आर उसके बाद मैंने डिडक्शंस कवर किए हैं रिटर्न ऑफ इनकम कवर किया है रिटर्न ऑफ इनकम से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अपडेटेड रिटर्न अपडेटेड रिटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लीज़ अच्छे से करके जाना जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू जो सबमिट कर फाइल करते हैं वो अच्छे से करके जाना उसके बाद आता है ए एम टी दैट इज़ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स उसमें ए एम टी रेट एम सी क्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट्स देखना और आईसीडीएस करके एक टॉपिक है वो आईसीडीएस के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स के लिए और थियोरी क्वेश्चन के लिए वो ये क्वेश्चन आ सकता है अब अगर हम लोग ने बात किया थियरी में कौन सा कौन सा आ सकता है थ्योरी में मैं तुम लोग को बताऊँ यूजअली थियोरी में से रिटर्न ऑफ इनकम आता है आईसीडीएस का पॉइंट आता है uh, उसके बाद थियोरी में अगर मैंने बोला कि थियोरी में क्या मैंने तो कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन देखा है थ्योरी में कि एक्सप्लेन करो फिफ्टी फोर एफ राइट right? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं नाउ द पॉइंट इज कि सर इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग और मुझे एक रिदम नहीं मिल रहा है पूरा डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करने के लिए तो लेट मी टेल यू आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड वन वीडियो विच कवर्स द एंटायर पोर्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक वीडियो है यूट्यूब के अगर मैंने वीडियो सेक्शन में जाओगे तुम लोग को दिखेगा एक वीडियो है विच कवर्स ऑल द फाइव हेड्स ऑफ इनकम्स और दूसरा वीडियो है विच कवर्स विच कवर्स अदर चैप्टर्स तो प्लीज एक बार वो सब कुछ देखना uh, आज के लिए मैं ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ ज्यादा आजू बाजू की बातें नहीं करते एग्ज़ाम्स आर कमिंग नवंबर के 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 लिए के लिए sorry, के लिए दिसंबर दिसंबर सॉरी है हूं आई मेक पीडीएफ इमिडियटली आई वीडियो एंड अपलोड सो स्टे कनेक्टेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल टू पोस्ट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर यू that will be helpful for you that's it for today thank you very much thank you very much for listening to this uh, listening to me and watching this video i will see you in the next video bye bye see you and take care